नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर एमपी बोर्ड ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। अब एमपी बोर्ड के किसी भी स्कूलों में बड़े बड़े फेस्टिवल्स जैसे होते हैं दीपावली, होली या ईद, इन सारे फेस्टिवल्स के तुरंत बाद यानी अगले दिन ही कोई भी आपकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। यहाँ पर एमपी बोर्ड ने ये फैसला लिया हुआ है। तो चलिए मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ। यानी अब स्कूलों में त्योहारों के दूसरे दिन ही किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं होगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने विधानसभा में पारित शासकीय संकल्प के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल और राज्य शिक्षा केंद्र को निर्देश जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि किसी भी तरह की परीक्षा बड़े त्योहारों के बीच में या दूसरे दिन आयोजित नहीं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि दशहरा, दीपावली और होली के तुरंत बाद कोई परीक्षा नहीं होगी। इन त्योहारों के बाद स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है। इस बात का हवाला देते हुए यहाँ पर एमपी बोर्ड ने ये आधिकारिक फैसला लिया है। यहाँ तक मानना है कि इस फैसले से बच्चों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय और मिल जाएगा, जिससे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कोई नया अपडेट आएगा, मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर लेकर के आऊँगा।